शांति। सृष्टि चक्र के अद्भुत खगोलीय रहस्य के पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस साइंटिफिक मूविंग मॉडल के द्वारा हम इस खगोलीय रहस्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इस चित्र में स्वस्तिका का चिन्ह दिखाया गया है। यह स्वस्तिका का चिन्ह भारत तो क्या, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम चिन्ह है। और इस स्वस्तिका के सिंबल का जितना ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है, उतना ही ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। तो इस स्वस्तिका के वैज्ञानिक अर्थ, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, वो हम इस साइंटिफिक मूविंग मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हमारे इस सृष्टि पर निरंतर तीन प्रकार की घटनाएं घट रही है। एक है ऐतिहासिक घटनाएं, दूसरा है भौगोलिक घटनाएं एवं तीसरा है खगोलीय घटनाएं। और इन तीनों घटनाओं के घटने के पीछे जो इसका मूल कारण है, वो है इस साकार मनुष्य लोक की तीन विशेषताएं। उसमें सबसे पहली विशेषता है लाइट। बीच में जो लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, ये सूर्य को सिंबलाइज कर रहा है, ये सूर्य दिखाया गया है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दृश्यवान है। अब दूसरी विशेषता है साउंड। चूंकि दुनिया में आवाज है, इसलिए हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और इस सृष्टि की तीसरी विशेषता है गति। चूंकि दुनिया में गति है, इसलिए ये दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति ना हो तो परिवर्तन भी ना हो, परंतु हम अनुभव करते हैं कि सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ गति है। दूसरी बात मैं विशेष आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लाइट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ज्योग्राफिकल चेंजेस। क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण दिन और रात होते हैं, और सूर्य की गर्मी के कारण मौसम बदलते हैं। तो भौगोलिक परिवर्तन का कारण सूर्य की रोशनी एवं गर्मी हो गई। साउंड इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर हिस्टोरिकल चेंजेस। हमारे ऐतिहासिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन आवाज के कारण आता है, क्योंकि हमारे शब्दों से ही इतिहास का निर्माण होता है। और मोशन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस। अब ये मॉडल विशेष करके गति के ऊपर फोकस किया हुआ है। यहां पर तीन प्रकार की गति दिखाई गई है। तीन प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है, और तीन प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं की तीन गति को चित्र में स्पष्ट किया गया है, एवं पृथ्वी की तीन गति को इस मूविंग मॉडल में। इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो दायां भाग है, राइट हैंड साइड है, जहां सतयुग त्रेतायुग लिखा हुआ है, ये इस सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, माना इन दोनों युगों में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, वो सब राइट डायरेक्शन, राइटियस डायरेक्शन में होता है। इसलिए इस दाएं भाग को पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। और इसी पॉजिटिव साइकिल के दौरान हम आत्माओं की सदगति होती है, सदगति, सतो प्रधान स्थिति। तो जब गलत कुछ यहां होता ही नहीं है, तो यहां दुख तो होगा ही नहीं, इसीलिए यहां सुखी सुख होता है। और इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में इस पॉजिटिव साइकिल को स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहा जाता है, जिसका वर्णन किसी न किसी धर्म में अनेकानेक रूप में किसी न किसी रूप से वर्णन किया हुआ है। अब इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां भाग है, जहां द्वापर कलयुग लिखा हुआ है, ये इस स्वस्तिका के नेगेटिव साइकिल है। और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नरक कहा गया है। अब इसी पीरियड के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। और कलयुग और सतयुग के बीच का जो पीरियड है, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि ये चूंकि सृष्टि चक्र है, इसलिए कलयुग में आकर के सृष्टि थम नहीं जाएगी। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, परंतु इस कलयुगी पतित दुनिया को
सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तन करने के लिए इस संगम युग पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन कोई देहधारी मनुष्य नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा हो। इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहाँ पर आना पड़ता है, और यहाँ पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परकाय प्रवेश करके हम आत्माओं को यहाँ गति प्रदान करते हैं। गति प्रदान करने का अर्थ होता है हम आत्माएं ओरिजिनली जहाँ से आई हैं, जिसको मुक्ति धाम, परम धाम कहा जाता है, और यहाँ आने के बाद, यहाँ जन्म लेने के बाद हम आत्माएं भूल चुकी होती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। तो जब भूल जाते हैं तो परमात्मा आकर के हम आत्माओं को उस घर की स्मृति दिलाते हैं और साथ में लेके चलते हैं, उसको गति कहा जाता है। तो गति, सदगति और दुर्गति, ये तीन प्रकार की गति आत्माओं की होती है, और आत्माओं की ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, उसका सीधा संबंध कर्म भूमि पृथ्वी से, तो पृथ्वी की भी तीन प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पे घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर लगता है, जिसके कारण दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति यह है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी होकर नहीं घूम रही है, घूमती हुई आगे बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है। अब ये दोनों प्रकार की गति तो मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के भीतर आता है। इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है जो मनुष्यों को मालूम नहीं है, साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो जो पृथ्वी की तीसरी गति है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है, और हम मनुष्यों के लिमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के बाहर है। तो उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार परमात्मा के कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्कर से ही बाहर है, इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर है। तो अब परमात्मा ने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि जब पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों ओर एक साल का चक्कर लगा लेती है, तो उस एक वर्ष के चक्कर को सूर्य का पूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो वर्ष का चक्कर सूर्य का केवल आंशिक चक्कर है, न कि पूर्ण चक्कर। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109-10 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है, जो कि हम इस मॉडल में नहीं दिखा सकते, केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा पिंड, कंकर पत्थर के जैसा ही है। उदाहरण के लिए अगर एक बड़ा बॉल ले लिया जाए, ये आपके सामने एक बॉल रखा हुआ है, अगर इस बॉल के ऊपर एक चौक पीस लेकर के इसके सेंट्रल लाइन को मेंटेन करते हुए अगर एक लकीर खींच दिया गया, तो बॉल के चारों ओर एक परिधि की लकीर खींच गई, एक सर्कमफ्रेंस, तो एक परिधि की लकीर खींचने से पूरे बॉल के सरफेस एरिया की पुताई चौक से तो नहीं हो गई। तो वो तो केवल एक लकीर, जितना मोटा चौक हुआ उतना ही हुई। तो अब वो ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य एक बहुत बड़ा बॉल है, गैसेस का बॉल है। अब देखिए, और पृथ्वी उसी चौक पीस के जैसा है। तो चौक पीस जैसी छोटी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का एक वर्ष का चक्कर जब लगाती है, तो एक वर्ष में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक परिधि का ही तो चक्कर लगा पा रही है। तो एक वर्ष के चक्कर से पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया कवर नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो एक वर्ष का चक्कर सूर्य का केवल आंशिक चक्कर ही है, न कि पूर्ण चक्कर। अब ये पूर्ण चक्कर कैसे होगा? तो संपूर्ण चक्कर होने के लिए ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं, ये भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये भी धीरे धीरे घूमता है, ये भी धीरे धीरे खिसकता है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है।
क्योंकि देखिए गति के लिए दो चीज की आवश्यकता है, एक स्पेस, दूसरा टाइम। अब देखिए, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अब ये ऑर्बिट जिधर से मैं खड़ा हूं, साइड व्यू से ये ऑर्बिट तो मुझे गोल दिखाई दे रहा है। अब इसी गोल ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखने लगेंगे तो यही गोल ऑर्बिट सामने से आपको एक लकीर नजर आएगी, लकीर, इसका डायमीटर ही विजिबल होगा। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं ना तो थाली गोल दिखाई देती है, भोजन पूरा करने के बाद जब थाली को धो करके जब हम स्टैंड में वर्टिकली खड़ा रख देते हैं तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से तो एक लकीर ही दिखेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह में दो बड़ी लकीरें खींची गई है, एक खड़ी लकीर, एक वर्टिकल, दूसरा ये आड़ी लकीर, हॉरिजॉन्टल। अब ये दोनों लकीरें वास्तव में क्यों दी गई है, इसका क्या मतलब है? ये दोनों लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के लकीर का ही रिप्रेजेंटेशन है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब आप देखिए, चूंकि गति सृष्टि का नियम है इसीलिए ये लकीर कहीं भी रुकेगी नहीं। आपने देखा ये लकीर खड़ी थी, वर्टिकल थी, अब घूमते घूमते ये हॉरिजॉन्टल, आड़ी हो गई। अब ये लकीर फिर घूमते घूमते फिर खड़ी हो जाएगी, परंतु इस हॉरिजॉन्टल आड़ी लकीर को खड़ी हो जाने के लिए 1250 वर्ष लग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ हमारी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल 90 डिग्री अंश, माना उसका एक चौथाई, क्वार्टर साइकिल सरफेस एरिया पूरा करने में ही पृथ्वी को 1250 वर्ष लग जाते हैं। तो नेचुरली पूरे 360 डिग्री का सूर्य का पूरा सरफेस एरिया, स्फेरिकल सरफेस एरिया पूर्ण करने के लिए उसको 5000 वर्ष लग जाएंगे। तो यही सबसे बड़े ते बड़ा चक्कर है, इससे बड़ा कोई चक्कर नहीं होता है, और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर, है ना। जैसे 24 घंटे के चक्कर को दिन रात का चक्कर कहा गया, 365 दिन के चक्कर को साल का चक्कर कहा गया, या ऋतु चक्कर भी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे खिसकते खिसकते 5000 वर्ष में सूर्य का पूरा एक संपूर्ण चक्कर पूरा करती है, तो उसको कहते हैं एक कल्प पूरा हुआ। अब आप देखिए इस स्वस्तिका के चिन्ह में इन दोनों बड़ी लकीरों के अलावा चार छोटी लकीरें भी खींची गई है, इसका क्या मतलब है? ये वास्तव में हमारे पृथ्वी के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अभी देखिए इस मॉडल के अनुसार, अब ये पृथ्वी का ये इधर नॉर्थ पोल है और इधर नीचे साउथ पोल है, हमने यहां पर दो जगह नॉर्थ पोल दिखाया है, इधर और उधर। क्यों दिखाया है? जब पृथ्वी दूसरे छोर तक पहुंचेगी तो भी नॉर्थ पोल ऊपर की दिशा में ही होगा, जब पृथ्वी इस छोर तक वापस आएगी तो भी नॉर्थ पोल ऊपर की दिशा में ही होगा। अब आप देखिए, अभी ये नॉर्थ पोल, वास्तव में नॉर्थ पोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड, साउथ पोल नीचे है, परंतु नॉर्थ पोल हमने इसलिए दिखाया है कि नॉर्थ पोल का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए नॉर्थ पोल हमारे पृथ्वी का सिर है, साउथ पोल हमारे पृथ्वी का पैर है। अब देखिए आप जब अपने आप अपने घर का नक्शा बनाते हैं या देश का, तो कागज में जब ये नक्शा बनाते हैं तो नॉर्थ पोल आप किधर रखेंगे? नेचुरली ऊपर की ओर रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल उसका पॉजिटिव चार्ज है और साउथ पोल उसका नेगेटिव चार्ज है, और नॉर्थ पोल के तरफ से ही पृथ्वी क्लॉकवाइज आगे बढ़ती है, क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यही नॉर्थ पोल जब घूमते घूमते पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश कर गया तो ठीक यहीं से सतयुग की शुरुआत हो गई। 1250 वर्ष बाद यही नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नीचे की ओर प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से त्रेता युग की शुरुआत हो जाएगी। अगले 1250 वर्ष बाद यही नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो यहीं से द्वापर युग की शुरुआत हो जाएगी, और अगले 1250 वर्ष बाद
जब यही नॉर्थ पोल ऊपर की दिशा में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। परंतु जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में माना सतयुग में प्रवेश करती है तब उससे ठीक पहले बड़ा चमत्कार होता है। इस समय पर वो चमत्कार क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया कि ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है और यहीं पर परमात्मा पतित कलयुगी दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं, वो विधि क्या है, परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर के आत्माओं को पवित्र बनाते हैं और जो भी आत्माएं इस राजयोग का अभ्यास करके पवित्र बनने लगती है उन सभी आत्माओं के कलेक्टिव पवित्रता के प्रभाव से ही इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वो परिवर्तन तीन विधि से होते हैं। उसकी पहली विधि है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी विधि है गृह युद्ध सिविल वार, ये आतंकवाद क्या है, गृह युद्ध ही तो है, और तीसरी और फाइनल विधि है न्यूक्लियर वार एटॉमिक वार। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा उससे ठीक पहले यहां पर एटॉमिक वार अवश्य होगा क्योंकि बिना एटॉमिक वार के इस पतित भ्रष्टाचारी कलयुगी दुनिया का संपूर्ण परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो आने वाले थोड़े दिनों में जब भी एटॉमिक वार यहां होगा, क्योंकि अभी आप कैसी वर्तमान समय की परिस्थिति भी देख रहे हैं, समाचारों में टीवी में अखबारों में हम पढ़ते भी हैं तो कैसे परिस्थिति निर्मित हो रही है, तो आने वाले थोड़े दिनों में जब भी ये न्यूक्लियर वार यहां पर होगा उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। उसमें सबसे पहला परिवर्तन ये होगा कि जब इतनी शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब्स की बौछार पृथ्वी पर एक साथ हुआ करेगी तो उस समय पृथ्वी पर बहुत जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकने वाला नहीं होगा, मास वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो उस समय इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न होगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सेकेंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल के राख हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ क्योंकि देखिए एक एटॉम बम जहां भी गिरता है कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो 3000 सेल्सियस डिग्री के ऊपर सहन कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि सातों के सातों महाद्वीप की जमीन जब जल के पिघल के राख हो जाएगी माना नरम हो जाएगी सॉफ्ट, जब पूरी की पूरी जमीन नरम हो गई तो उस नरम जमीन को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा। माना सातों के सातों भूखंड की जो जमीन है वो पृथ्वी के कोर भूगर्भ केंद्र बिंदु की तरफ दौड़ेगी और वहीं इकट्ठी होकर के एक विशाल भूमि का रूप ले लेगी अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी देश अभी इस दुनिया में मौजूद है सब के सब पानी के नीचे चला जाएगा। परंतु जो मैं चमत्कार की बात यहां कर रहा था वो यह होगा कि भारत की जमीन कभी भी पानी के नीचे नहीं जाएगा। ऐसा चमत्कार क्यों होगा, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है। तो परमात्मा के अवतरण से भारत की भूमि एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत देश के ऊपर एटम बॉम्ब से अटैक करना चाहेगा तो उसके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति उसको रोकेगा और उस देश को कोई ना कोई कारण नजर आएगा जिससे वो भारत पर एटम बॉम्ब से अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड करता रहेगा और भारत पर फाइनल अटैक करने से पहले या तो कोई तीसरा देश ही उस पर अटैक कर देगा या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ परमात्मा की शक्ति से ही भारत की भूमि बचती है
वरना भारत में भी अगर एटम बॉम्ब गिर गया तो भारत की जमीन भी नरम होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता। और वैसे भी ये नियम है, इस दुनिया में एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज गोल है। हमारे हिंदी में शब्द बहुत अच्छे हैं, भूगोल खगोल, एवरीथिंग इज साइक्लिक। तो जो भी संकल्प हम करते हैं, अच्छा या बुरा, वही संकल्प कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास ही लौट के आती है। तो भारत देश कभी भी दूसरे देश पर अपने आप स्वतः अटैक करने का न तो संकल्प करता है न करेगा। सत्ता में कोई भी बैठा हो, परमात्मा की शक्ति काम करती है। अगर कोई दूसरा देश ऐसा संकल्प कर रहा होता है, माना वो अपनी मुसीबत खुद के लिए ही बुला रहा है। चलिए, परमात्मा ने भारत को एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम से बचा दिया, परंतु भारत को छोड़ करके पूरे विश्व में जब इतने घमासान एटॉमिक वार होंगे, उससे पूरे विश्व के जलवायु में बड़ी तेज गति से परिवर्तन आएगा, और उसी के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो घड़ी घड़ी जल्दी जल्दी आएगी और हाई इंटेंसिटी में आएगी। उदाहरण के लिए, अभी कहीं भी भूकंप आता है तो 8.9 रिएक्टर स्केल से ज्यादा कहीं भी नहीं आता है, परंतु उस परिस्थिति के दौरान 10 से लेकर के 20 रिएक्टर स्केल तक भूकंप आया करेंगे, और उसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं सैकड़ों ज्वालामुखी पक रही है। सारे के सारे ज्वालामुखी उस परिस्थिति में अंदर ही अंदर एक साथ फटना शुरू हो जाएगा, उसको बाहर आने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, सैकड़ों ज्वालामुखी की गर्मी पृथ्वी के समुन्द्र के अंदर से है ना, और हजारों लाखों एटम बॉम्ब की गर्मी बाहर से, तो क्या हाल होगा? जितने भी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, चाहे समुन्द्र के अंदर है या बाहर है, सब के सब तेज गति से पिघल जाएंगे और समुन्द्र का सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण यह है, समुन्द्र का लेवल कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत 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 ऊंचा है। हाँ, इतना अवश्य होगा कि भारत का जितना भी समुन्द्र का किनारा, कोस्टल एरिया जितना भी है, वो सब के सब डूब जाएंगे, परंतु तीव्र गति के भूकंप के कारण कुछ नई जमीनें भी उभरेंगी और उसी से भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा बन जाएगा। अभी जो भारत का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हो जाएगा, और उस नक्शे के अंदर भारत के आस पड़ोस के जो बचे हुए देश होंगे वो भी भारत में मर्ज हो जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे, कहलाएगा भारत ही। इसका अर्थ यह हुआ कि जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल सतयुग में प्रवेश करता है, तो सतयुग में भारत के अलावा कोई दूसरा देश होता ही नहीं है, भारत ही संपूर्ण विश्व होगा। अगला परिवर्तन यह होगा कि भारत को छोड़ करके जितनी भी जमीन अंदर चली गई, तो ड्रामा प्लान अनुसार अंदर अंदर उसकी सेटलमेंट इस तरीके से हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा सेंटर पॉइंट इक्वेटर, उसके दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों गोलार्ध में बराबर जमीन और बराबर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस भयंकर विनाश के दौरान भारत की भूमि बचेगी और भारत की भूमि पर केवल और केवल संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही जीवित रहेगी, जिसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो उस संपूर्ण पवित्र आत्माओं के पवित्रता के वाइब्रेशन को रिसीव करके प्रकृति अपने आप को उन आत्माओं के अनुसार सेट कर लेती है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें उस पर वो नेगेटिव वाइब्रेशन फीड करना शुरू किया, तो उसने ये रिजल्ट पाया कि उस पानी का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो विकृत हो गए। अभी जब उसने दोबारा उसी पानी को जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगा, तो उसी पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत सुंदर हो गए। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकृति नेचर हमारे वाइब्रेशंस को कैच करती है और हमारे अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, सेट कर लेती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार उस परिस्थिति में
उन संपूर्ण पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन को कैच करके प्रकृति अपने आप को इक्वेटर के दोनों तरफ बराबर जमीन और बराबर पानी का बंटवारा हो जाता है। जैसे बराबर पानी और बराबर पानी का बंटवारा हो गया तो तुरंत पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होते ही पृथ्वी की एक्सिस जो 23.5 डिग्री अभी झुकी हुई है इमिडिएटली 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे पृथ्वी सीधी 0 डिग्री सीधी स्ट्रेट खड़ी हो गई, तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो स्थिर हो जाएगा, स्टेबल कॉन्स्टेंट। सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव साइकिल में सतयुग त्रेतायुग में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऑर्बिट बिल्कुल गोल घुमा करेगी, जैसे अभी इस मॉडल में दिखाया हुआ है। अब जैसे पृथ्वी की ऑर्बिट गोल घूमेगी तो तुरंत सूर्य की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी, और यही कारण है सतयुग त्रेतायुग में माना पॉजिटिव साइकिल में सदा बहार वसंत ऋतु ही साल भर होती है। यहाँ सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम होता ही नहीं है, सदा वसंत ऋतु। और इसका एक प्रमाण आज भी दुनिया में है, वो क्या है? अपने भक्ति मार्ग के मंदिरों में, चित्रों में, मूर्तियों में कभी कहीं नहीं देखा होगा कि श्री कृष्ण जी को, श्री राम जी को या अन्य देवी देवताओं को आपने कभी शॉल, स्वेटर, कोट, कंबल पहने देखा है? कभी नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सदा वसंत ऋतु है, इसकी आवश्यकता ही नहीं। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई, तुरंत पृथ्वी के दोनों पोल में न जमीन होगी न बर्फ होगा, पानी ही पानी होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वार के फोर्स से पूरी जमीन अंदर चली गई और एटॉमिक वार के गर्मी से पूरा का पूरा बर्फ पिघल गया, तो पानी पानी होगा। अगला परिवर्तन ये होगा, आजकल जो दोनों पोल में 6 महीना दिन और 6 महीना रात हुआ करता है उसका प्रश्न समाप्त, क्योंकि पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई। सतयुग त्रेतायुग में कर्क रेखा मकर रेखा होता ही नहीं है। अगला परिवर्तन ये होगा कि साल भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ही हुआ करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि लंबा दिन छोटी रात या लंबी रात छोटे दिन, नहीं नहीं, इक्वल डे इक्वल नाइट, क्योंकि पृथ्वी सीधी खड़ी होगी। अगला जबरदस्त परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई तो पृथ्वी के चारों ओर जो चांद घुमा करेगा उसके घूमने की सेटिंग इस तरीके से सेट हो जाएगा कि रोज रात्रि को सतयुग में पूर्णिमा ही हुआ करेगी, फुल मून, एवरी नाइट फुल मून। क्यों? क्योंकि आत्मा यहां पर 16 कलश संपूर्ण पवित्र है तो प्रकृति भी संपूर्ण सुखदायी होती है। अब देखिए सतयुग त्रेतायुग में न तो अमावस्या होते हैं न ग्रहण लगते हैं, और उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब पूरी की पूरी जमीन अंदर चली गई, अंदर एक विशाल भूमि का रूप ले लिया, तो तुरंत पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाता है। उस समय की तुलना में आज वर्तमान समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है, और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बरमूडा ट्रायंगल। अगर आपने सुना होगा सेंट्रल अमेरिका में मियामी शहर के पास समुन्दर के ऊपर एक ऐसा त्रिकोण बना हुआ है जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। उस ट्रायंगल के ऊपर कोई भी सॉलिड चीज, माना चाहे समुद्री जहाज या हवाई जहाज, अगर क्रॉस होता है या पंछी, कुछ भी चीज सॉलिड चीज क्रॉस होता है तो वो चीजें गायब हो जाती है। साइंटिस्ट को आज तक पता नहीं चला वो चीजें कहाँ गई, और तो और खोज करने वाले भी लापता अभी तक वापस नहीं आए। तो ऐसा वहां पर क्यों होता है? क्योंकि वो एरिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मैक्सिमम जोन है, वो मैक्सिमम एरिया है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। वहीं पर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट और बरमूडा ट्रायंगल का सरफेस एरिया, उसके रेडियस के बीच में काफी गहराई तक, मतलब सेंटर पॉइंट के काफी नजदीक तक केवल समुन्दर का पानी ही पानी है, कोई सॉलिड चीज नहीं है। माना न जमीन है, न दलदल है, न बर्फ है, न तेल है, न गैस है, केवल और केवल समुन्दर का पानी है। इसीलिए कोई भी सॉलिड चीज ऊपर से क्रॉस होता है तो पृथ्वी उसको अपने अंदर खींच लेती है।
तो उसके विपरीत देखिए, जब सतयुग में पॉजिटिव साइकिल में जब पूरी की पूरी जमीन अंदर अंदर इकट्ठी हो गई, एक विशाल भूमि का रूप ले लिया, तो तुरंत पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गया तो चांद एक झटके से पीछे आ जाता है, और उस क्योंकि आकर्षण कम हो गया ना, और उस झटके के कारण चांद थोड़ी घूम जाती है, घूम के इस तरीके से सेट हो जाता है कि आजकल जो चांद का गड्ढा गड्ढा वो ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, वो सतयुग त्रेता में वो गड्ढे गुड्ढे दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि घूम के इस प्रकार का सेट हो जाता है कि उसका प्लेन एरिया ही विजिबल होता है, और यही कारण है कि सतयुग त्रेतायुग में चांद ज्यादा रोशनी फेंकता है। अब देखिए, अब तो एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गया और दूसरी चांद की दूरी बढ़ गई, तो इन दोनों कारणों से पृथ्वी के चारों ओर चांद की घूमने की स्पीड गति इतनी धीमी हो जाती है कि जैसे कि चांद पूर्णिमा के स्थिति में ही रुक गई हो, रुकती नहीं है पर उसकी स्पीड इतनी धीमी है कि रुकने के बराबर है। यही कारण है यहां पर रोज रात्रि को पूर्णिमा ही होती है। तो ये तो हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख और प्रकृति से भी सुख। अब यही नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल पूरा करके 2500 साल बाद जब फिर से ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, तो यहां पर भी एक नेगेटिव परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है? हमने देखा कि सतयुग के शुरू में ही पूरी की पूरी जमीन अंदर अंदर वन पीस है, वन पीस ऑफ यूज लैंड। तो उसी समय से पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में गर्मी और गैस पकना शुरू हो जाता है। वो डेवलप होते 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 त्रेता के अंत तक उसका प्रेशर और एरिया जबरदस्त बिल्डअप हो जाता है, परंतु वो गैस का प्रेशर और वो गर्मी का प्रेशर यहां पर निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उस जमीन की बाहरी जो परत है वो बहुत थिक, मोटी और स्ट्रांग होता है, वो उसके प्रेशर को रोक के रखता है। परंतु जैसे ही नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाते हैं, और आत्माओं के वो नेगेटिव वाइब्रेशंस सत्व प्रधान पवित्र प्रकृति को सहन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक अमृत का कलश लिया जाए, उसमें एक बूंद भी अगर जहर पड़ गया तो पूरा का पूरा अमृत जहर बन जाता है। अगर पूरा तपेला दूध भरा हुआ है, एक बूंद भी नींबू का रस पड़ गया तो पूरा का पूरा दूध फट जाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन स्वतो प्रधान प्रकृति में थोड़ी सी भी नेगेटिव वाइब्रेशन मिक्स होता है तो स्वतो प्रधान प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल पैदा हो जाता है, और यही कारण है यहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है, और उस भूकंप से जमीनों में दरार पड़ने लगती है, और उन दरारों में से यहां पर जो गर्मी और गैस का प्रेशर बढ़ चुका था उसको निकलने का रास्ता मिल गया। जैसे ही रास्ता मिला, इतनी तेज गति से वो गैस का प्रेशर बाहर आता है कि एक भयंकर आंतरिक विस्फोट होता है, पूरी जमीन को फाड़ के बाहर आता है। उस आंतरिक विस्फोट के कारण वही एक जमीन अंदर जो एक पीस थी वो टुकड़े टुकड़े में बिखर के पृथ्वी में चारों ओर समुद्र के सतह पर आकर के आ जाता है, और उसी से ही 7 महाद्वीप का फिर से निर्माण हो जाता है। और उसके पैरेलल में जो गर्मी का प्रेशर है वो ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगते हैं, और उन ज्वालामुखियों के द्वारा ही बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, आरावली, विंध्याचल आदि आदि। सतयुग त्रेतायुग में इतने बड़े बड़े पहाड़ होते ही नहीं है, वो तो यहां पर आंतरिक विस्फोट से बने। अभी भी आप गौर करेंगे, हमारे पृथ्वी पर जितने भी मैक्सिमम देश है, कंट्रीज है, वो सब इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ पोल के तरफ ही है। साउथ पोल के तरफ केवल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका का थोड़ा थोड़ा भाग ही तो है, और जितने भी बड़े बड़े पहाड़ है वो भी नॉर्थ पोल के तरफ इक्वेटर के ऊपर ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस भयंकर आंतरिक विस्फोट के दौरान पृथ्वी की मैक्सिमम जमीन, ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक गई। खिसकते ही नॉर्थ पोल भारी हो गया, भारी होते ही पृथ्वी इम्बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस होते ही पृथ्वी की एक्सिस जो सीधी खड़ी थी फिर से 23.5 डिग्री यहां पर झुक गई, क्योंकि इम्बैलेंस हो गई। अब जैसे पृथ्वी की एक्सिस 23.5 डिग्री झुक गई, तुरंत
पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जमीन एक पीस के बजाय टुकड़े टुकड़े में बट गए, जितने टुकड़े उतने अलग अलग केंद्र बिंदु बन गए, उसके उसके सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हुई, ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया। तो जैसे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया तो तुरंत सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो घटने बढ़ने लगती है, वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट जो सतयुग त्रेतायुग में पॉजिटिव साइकिल में बिल्कुल गोल घुमा करती थी, द्वापर युग नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करते ही वो ऑर्बिट एलिप्टिकल चपटा घूमना शुरू हुआ, और एलिप्टिकल घूमते ही अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। तो यहां से लेकर के कलयुग के अंत तक पूरे नेगेटिव साइकिल के दौरान लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है, पाप कर्म की दुनिया है, संबंधित आत्माओं को उसका फल भोगना ही है। अब यही नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल पूरा करके जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो यहां पर फिर से इस वर्ल्ड ऑर्डर की रीसेटिंग होगी। हमने देखा यहां पर आंतरिक विस्फोट से जमीन बिखर गई, तो रीसेटिंग के दौरान उन्हीं बिखरी हुई जमीन को फिर से इकट्ठा होना है, वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए बाहरी ताकत, एक्सटर्नल फोर्स। वो कहां से आएगा? उसके लिए ठीक सही समय पर हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आदि आदि बनाए हैं, और वो एक दो तो है ही नहीं, कितने देशों में आवश्यकता से अधिक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये नॉर्थ पोल फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा उससे ठीक पहले फिर से एटॉमिक वार होगा, और उसी एटॉमिक वार के दौरान सातों के सातों भूखंड की जमीन फिर से बटोर करके इकट्ठी हो जाएगी, और फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस होकर सीधी खड़ी हो जाएगी और सतयुग आ जाएगा। इसी प्रकार से हर 5000 वर्ष बाद इस सृष्टि की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति होती ही रहती है। ओम शांति।